आज जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑफर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो पिछले शुक्रवार को जब 18 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश हुआ था, सरकार ने 8 शर्तों वाला 8 पॉइंट वाला एक ऑफर सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये ऑफर किया है कि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन देने को तैयार है मंदिर के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि संत गुरु रविदास जी का मंदिर जो है 20x20 फुट का, यानी 400 स्क्वायर फीट में आप एक कच्चा सा लकड़ी का सा पोटा केबिन सा मंदिर बना सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस 200 गज ज़मीन का मैनेज करने के लिए केंद्रीय सरकार अपनी तरफ से एक कमेटी बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन पक्का नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ही समझ ऐसी है कि सरकार का ये जो ऑफ़र है इसको 5 लोगों ने स्वीकार किया है, और जिसमें से संत कुलवंत राम जी हैं, जिन्होंने बाद में कहा है कि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है, और वो बाकायदा शायद आज वो कोर्ट में जाकर इस बात को कहने वाले हैं। एक संत सत्येंद्र हीरा हैं और दूसरे एक सुरजीत नाम के व्यक्ति हैं, एक जो है आत्माराम हैं, और एक कोई सुदेश राठौर नाम के व्यक्ति हैं, और ये लोगों ने सरकार की शर्त को मान लिया है। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि केवल 400 स्क्वायर फीट में कच्चा सा संत रविदास जी का मंदिर। इनमें सारे के सारे लोगों का संबंध सरकार के साथ है, इनके जो वकील हैं वो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने ये कहा है कि हमें ये प्रस्ताव सम्मान की रक्षा नहीं, संत गुरु रविदास के स्टेचर के सम्मान की रक्षा नहीं करता, बल्कि ये संत रविदास का अपमान है, और संत रविदास के मानने वाले समाज का और पूरे देश के दलित समाज का अपमान है, पूरे देश के संत समाज का अपमान है। क्या 5 लोग जो हैं ये रविदास जयंती समारोह समिति जो कि पार्टी है इस मामले में, क्या ये शामिल है क्या? नहीं, ये उसके कतई मेंबर नहीं है, बाहर से आए लोग, 4 लोग बाहर से आए हैं, और जो एक व्यक्ति सुरजीत है उसका इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। इस जो पिछले 60 साल से जो इस ज़मीन को मैनेज कर रहे हैं, जो सरकार से लगातार जो सरकार इस ज़मीन को लंबे समय से हथियाना चाहती है, कुछ लोग उसको हथियाना चाहते हैं, आपको पता है उसके पास नेहरू प्लेस है, उसके पास हमदर्द अस्पताल है, बत्रा अस्पताल है, ये एक बहुत हाई एंड सोसाइटी के बीच में ये ज़मीन है। तो मुझे लगता है कि मनुवादियों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वो कैसे, मनुवादियों के दिमाग में ये बात बैठी है कि ये 12,500 गज जमीन इतनी बड़े समय दलितों के हाथ पे कैसी रहनी चाहिए। सर, क्या अब रुख है जयंती समारोह समिति का? वो मांग तो आप नहीं मान रहे, आगे का क्या रुख रहेगा? ये लड़ाई चलेगी, हम लड़ाई के लिए बैठे हैं यहाँ, और आज शाम तक हम तय कर लेंगे कि हमारा आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार इसको रिलीफ के तौर पे दिखा रही है कि उन्होंने एक तरह समाधान कर नहीं, सरकार इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, और हमें यकीन है रविदासी लोग इतने मूर्ख नहीं है कि सरकार को इसका मतलब कि सरकार के झांसे में आ जाए। बेल का भी कोई संबंध राजनीति से हो सकता है कि बेल लगातार हो गई है, या फिर इसको नहीं, बेल को लेकर हमारी सरकार से लगातार, हमारी मंदिर के मसले पे भी लगातार सरकार के कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, और सरकार को हमने कहा था कि अगर हमारी ये बच्चों की 8 अक्टूबर को जो पेशी थी, अगर 8 अक्टूबर को हमारे समाज के बच्चों की, नौजवानों की अगर बेल नहीं होगी तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और कड़े कदम में हमने ये भी कहा था कि भारत बंद भी शामिल हो सकता है। तो मुझे लगता है, और सरकार ने हमारे जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई, पुलिस अधिकारियों से बात हुई, सरकार के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि हम आपके सारे बच्चों को 20 तारीख से पहले छोड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।